अमापुर कस्बे के 12 द्रारी पर चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा महोत्सव में पंचम दिवस श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रीराम सीता स्वयंवर प्रसंग की कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान श्रीराम की जयकारी भी गूंजते रहे, भक्ति का माहौल बन गया। कथा व्यास आचार्य गौरव कृष्ण पांडे ने भगवान श्रीराम द्वारा शिवधनुष भंग करने से लेकर श्रीराम और सीता माता के स्वयंवर की कथा का मनोहारी वर्णन करते हुए भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद का भावपूर्ण वर्णन किया। कहा कि धनुष भंग का संदेश जब अवध में पहुंचता है तो राजा दशरथ भरत और शत्रुघ्न के साथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। धूमधाम से श्रीराम और माता सीता का विवाह सम्पन्न होता है। राजा जनक सभी बारातियों का स्वागत करते हैं। बारात 6 माह तक ठहरी, किसी भी प्रकार की कमी न हुई, क्योंकि जहां सीता जी लक्ष्मी का अवतार थी उन्होंने अपनी सभी सिद्धियों को कार्य में लगा रखा था। इस मौके पर आचार्य हरिकिशोर मिश्रा, रामनारायण मित्तल, केशव देव गुप्ता, दिनेश जौहरी, राकेश पाराशर, विमल जिंदल आचार्य, विनय प्रताप सोलंकी, विष्णु गोयल, आकाश गुप्ता सर्राफ, मोनू गुप्ता, राहुल जौहरी, राम खिलाड़ी उपाध्याय, मनोज गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, अमित गुप्ता, दीपक सोलंकी, पवन सोलंकी, आकाश शाक्य, अरबाज खान, बबलू गुप्ता, वीर बहादुर, डिंपल गुप्ता, शनिदेव गुप्ता आदि भक्तगण मौजूद रहे। संवाददाता विपिन कुमार। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।